आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला कविता मंजरी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता ध्वनि। मित्रों, इस कविता में कवि वसंत ऋतु को माध्यम बनाकर कहना चाहता है कि वो कभी भी अपने जीवन में पराजित महसूस करना नहीं चाहता, ना कभी उदास रहना चाहता है। उसके जीवन में भी हर दिन वसंत ऋतु की तरह नवीनता रहेगी। तो आइए सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। हरे हरे ये पाक डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे ये पाक डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नेत्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लाल सा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। मित्रों, इस कविता के गायन को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने, गाने, गुनगुनाने की भावना अवश्य जगी होगी।
तो क्यों ना आप भी एक छोटी सी प्यारी सी कोई कविता लिखें और उसे गाएं और गुनगुनाएं। ध्वनि, अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। विषय संयोजन रविंद्र कुमार, ध्वनि अंकन बटिलेंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, ध्वनि संपादन निर्देशन तथा निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।